आप अपना गुस्सा मुझ पर क्यों निकालते हैं। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां आप कहते हैं आप अपना गुस्सा मुझ पर क्यों निकालते हैं, या वह अपना गुस्सा मुझ पर निकालता है, या फिर मैं अपना गुस्सा उन पर निकालता हूं। तो आइए फ्रेंड देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है जहां आप कहते हैं किसी पर अपना गुस्सा उतारना या गुस्सा निकालना। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे वेंट ऑन, वेंट आउट या वेंट टू। कैसे, आइए इन सभी बातों को एग्जांपल्स में डिटेल से समझें। वर्ड वेंट एक वर्ब है जिसका पास्ट फॉर्म वेंटेड और आईएनजी फॉर्म वेंटिंग और एस फॉर्म वेंट्स होता है, और इसका इस्तेमाल हम दो कंडीशन में करते हैं। पहला, अपना स्ट्रॉन्ग इमोशंस यानी गुस्सा या तनाव निकालने के लिए। जैसे अगर आपको कहना हो कि वो अपना गुस्सा मुझ पर निकालती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी वेंट्स हर एंगर ऑन मी, यानी वो अपना गुस्सा मुझ पर निकालती है। यहाँ मैंने बोला वेंट्स ऑन। अगर आप ऑन के जगह पर टू लिखते हैं तो फिर आपको एंगर या फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, ईटीसी लिखने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं सी वेंट्स टू मी, यानी वो अपना गुस्सा मुझ पर निकालती है। यहाँ वेंट्स टू मी का मतलब हुआ गुस्सा निकालना या अपना तनाव निकालना। अगर आपको कहना हो कि वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाली, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी वेंटेड हर एंगर ऑन मी। और अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए कह सकते हैं सी वेंटेड टू मी, यानी वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाली। अगर आपको कहना हो कि वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रही है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज वेंटिंग हर एंगर ऑन मी। और अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं सी इज वेंटिंग टू मी, यानी वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रही है। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आपको कहना हो कि कुछ बेवकूफ अपना गुस्सा बच्चों पर निकालते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सम इडियट्स वेंट देयर एंगर ऑन किड्स। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं सम इडियट्स वेंट टू किड्स, यानी कुछ बेवकूफ अपना गुस्सा बच्चों पर निकालते हैं। यह मैं आपको एक बार और बता दूं कि अगर आप वेंट के बाद टू बोलेंगे तो आपको एंगर, टेंशन ऐसे वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। यानी वेंट देयर एंगर ऑन के जगह पर आप कह सकते हैं वेंट टू। अगर आपको कहना हो कि कुछ बेवकूफ अपना गुस्सा बच्चों पर निकाले, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सम इडियट्स वेंटेड देयर एंगर ऑन किड्स, यानी कुछ बेवकूफ अपना गुस्सा बच्चों पर निकाले। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए ये भी कह सकते हैं सम इडियट्स वेंटेड टू किड्स, यानी कुछ बेवकूफ अपना गुस्सा बच्चों पर निकाले। मेरा ये सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए मैंने सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जो था वेंटेड। मेरा बॉस अपना गुस्सा मुझ पर निकालता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे My boss vents his anger on me. अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए ये भी कह सकते हैं My boss vents to me. यानी मेरा बॉस अपना गुस्सा मुझ पर निकालता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वेंट का पहला कंसेप्ट समझ में आया। वेंट का एक और मीनिंग छोड़ना भी होता है। जैसे अगर आपको कहना हो कि चिमनी धुआं छोड़ती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे चिमनीज वेंट स्मोक, या फिर आप ये कह सकते हैं चिमनीज वेंट आउट स्मोक, यानी चिमनी धुआं छोड़ती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि छोड़ने के सेंस में आप वेंट का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि वेंट टू क्या है, या वेंट ऑन या वेंट आउट क्या है। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा, तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।